गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश होने से यहां शहरों और गांवों के निचले इलाके जलमग्न हो गए और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमों को कच्छ, जामनगर, जूनागढ़ और नवसारी में तैनात किया गया है। SEOC के अनुसार पिछले दो दिनों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 9 लोगों की जान चली गई है। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गया है। क्रिकेट जगत के लिए इससे ज्यादा हैरान करने वाली शायद ही कोई खबर हो। जिस वेस्ट इंडीज ने तकरीबन 3 दशक तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया, जिस वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट के पहले दो वर्ल्ड कप जीते, पहले 1975 में और फिर 1979 में, वर्ल्ड कप 1983 में भी वह फाइनल पहुंचा। लेकिन कैरेबियन टीम का सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप पर ही दबदबा नहीं रहा है, उसने दो बार T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी से राहत देते अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ को नियमित जमानत दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर 1 सप्ताह की रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री हर अर्जी को CJI के सामने रखेगी ताकि मामले की सुनवाई उसके मुताबिक हो सके। गुजरात हाई कोर्ट ने शनिवार को सीतलवाड़ को साल 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। मौसम विभाग ने पूरे देश में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। देश के 20 राज्यों में मध्यम से तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिन राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उनमें यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। कई राज्यों में बारिश शुरू हो गई है जो अगले 5 दिनों तक लगातार जारी रहेगी। शनिवार को ट्विटर वैश्विक स्तर पर डाउन हो गया। इसके बाद हजारों यूजर्स ने शिकायत की कि ट्विटर उनके ट्वीट को रिफ्रेश नहीं कर रहा है। यह तीसरी बार है जब एलन मस्क के अधिग्रहण के बाद ट्विटर डाउन हुआ है। कुछ यूजर्स अपनी परेशानी के बारे में दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को शेयर कर रहे हैं।